हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। भाई बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन जो बना रहा हूँ बहुत स्पेशल है। भाई टाइम हो रहा है रात के 10:09 और गाड़ी देख के आप समझ गए होंगे कि हो किस पे रहा है काम। भाई इसकी वो PPF ख़राब हो गई थी क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी आगे से लग गई थी, जिसकी वजह से जो अपनी पहले PPF रखी थी कमेलियन वो हटा दी थी। तो अब इस पर कुछ बहुत मतलब 1.5-2 महीने हमने सोच के कुछ अलग लेके आए हैं जो इस पर अब होगा। तो उसके लिए पहले भाई इसकी सारी PPF हटवाई है, तो कहीं कहीं उसकी गम छूट गई है, पहले वो हटाएंगे, उसके बाद इस पर काम शुरू करेंगे। तो भाई मेरे ख्याल से पूरी रात लग जाएगी राजा, पूरी रात लग जाएगी भाई। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या होगा इस पर, बहुत यूनिक चीज़ है क्योंकि लास्ट टाइम भी जो हमने किया था बहुत यूनिक किया था, तो अभी भी बहुत यूनिक करेंगे। तो भाई अभी दिखाते हैं आपको क्या होगा, पहले एक बार गाड़ी को ये गम वगैरह हटवा देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे गम छोड़ दिए गाड़ी ने, कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। बाकी लाइट वगैरह सब खुलवा दिए हैं, हैंडल वगैरह, साइड मिरर, क्योंकि टकिन जब भी अच्छी होती है जब गाड़ी के सब पार्ट खुल जाते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो भाई तोमर कर रहा है गाड़ी की पहले सफाई, उसके बाद राजा उस्ताद राजा उस्ताद करेगा गाड़ी पे जो होने वाला है PPF या रैप, वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। बाकी भाई गाड़ी अभी पूरी खुलवा दी है, हैंडल वगैरह सब, बीडिंग वीडिंग सब निकलवा दी है भाई गाड़ी की, पिछली लाइट भाई, डिफ्यूज़र, स्पॉयलर सब हटवा दिया है। बस ये 2-4 जगह इसकी गम छूट गई है, आपको दिखाता हूँ। ये जैसे इस साइड पे ये सब, इसके लिए डेंटर को बुलाया है। ये PPF हटी तो ये रीपेंट था, तो इसलिए ये गलती भाई कभी भी मत करना। अगर गाड़ी तुम्हारी रीपेंट है तो उसको कम से कम 15-20 दिन कम से कम सूखने देना PPF अप्लाई कराने से पहले। ये मैंने जल्दीबाजी करने के कारण ये हाल हुआ है। तो अभी डेंटर आ रहा है, वो इसको कर देगा। रात के 10:15 हो चुके हैं भाई, तो गाड़ी पे बस काम शुरू कर ही रहे हैं, आपको दिखाता हूँ बाकी काम शुरू होने के बाद। सबसे पहले बोनट करेंगे, एक गेट हो रखा है लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उससे फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। अब सबसे पहले बोनट ही दिखाऊंगा, तो अभी शुरू होगा जब दिखाएंगे। कितनी देर में करेगा राजा? तो बस भाई अब कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद लगाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी बीच बीच में सिनेमैटिक शॉट सब डालता रहूँगा जैसे जैसे पार्ट होते रहेंगे, लेकिन कराएंगे आज ही। बाकी जो भाई ये पार्ट हैं जो आपको खुले दिख रहे हैं, ये सब, ये बेडिंग है, हैंडल हैं भाई आपका, और क्या है, जो भी चीज़ें मतलब खुली हुई है, हैंडल वगैरह सब डिप के लिए दे रखा है मैंने, हाइड्रो डिप करा रहा हूँ ग्लोसी ब्लैक में, तो उससे गाड़ी की लुक और अच्छी आएगी। तो भाई रैप PPF मतलब रैप ही लगा लो, रैप और PPF का मिक्स है ये जो मैं करा रहा हूँ अब। तो ये प्राइमर लगा रहे हैं पहले, इससे कॉर्नर से जो निकल जाता है रैप या फिर PPF जो भी होती है तो वो नहीं होता, तो सबसे पहले ये यूज़ करते हैं भाई, उसके बाद अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ कॉर्नर पे यूज़ होता है तोमर? चलो भाई तो दिखाते हैं आपको, 1, 2, 3। तो भाई ये है जो मैं अपनी पूरी गाड़ी पे करा रहा हूँ, धीरे धीरे बताऊंगा अब रैप है क्या है। रैप तो नहीं है ये, ना ही ये PPF है। अब जो है वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। इसमें भाई 3 शेड है, वो आपको पूरी गाड़ी होने के बाद दिखेंगे, अभी आपको 1-2 शेड तो दिख रही होंगी। कुछ यूनिक करने का मन था भाई, काफ़ी टाइम सोचा, जब जाके ये मिला भाई बड़ा ढूंढा, फिर मंगाया तो टाइम लग गया, जब तक गाड़ी सिंपल ही रखनी पड़ी थी। तो अब होने के बाद दिखाएंगे आपको होते होते।
नहीं नॉर्मल गाइस, हमने शुरू कर दिया आज से नया काम। हम ये बहुत दूर से ढूंढ के लाए हैं, भाई ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट करे, अब कुछ नया करके देखते हैं इसको। तो भाई बोनट होने के बाद ऐसा लग रहा है, लग तो बढ़िया रहा है। ये साइड गेट हो रखा है, इस पे अलग शेड आ रही है क्योंकि ये साइड है और ये फ्रंट में तेज। अब बाकी गाइस को नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे कैसी लगेगी, तब तक हम थोड़ा वसूल लेते हैं। सेवा चल रही है भाई, टाइम हो गया भाई 1:57, दो बजने वाले हैं। अभी तो गाड़ी में काफी काम रहता है। राजा कितना टाइम और लगेगा? बादशाह बोले अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ललित बादशाह ब्रेजा कर रहे हैं भाई। हो गई जा, तो भाई गाड़ी आ गई अपने दूसरे स्टोर पे, रैप कंप्लीट हो गया है, अब गाड़ी की फिटिंग्स होंगी। फिटिंग रहती है बहुत ज़्यादा, साइड ग्लास के यहाँ से पीछे के, क्योंकि ये जो डिप के लिए भेजे थे ये सब लोग टूट गए इनके। बम्पर हो गया, लाइट की फिटिंग होगी, यहाँ की रबड़ होगी, ये देखो ये सब लोग टूट गए हैं, तो दूसरे लोग डाल के जब फिटिंग होगी। थोड़े से ढीले आदमी हमारे पास जो दो दिन अब्सेंट रहते हैं। शक्ल दिखाओ, कहाँ थे दो दिन? कहीं नहीं। बताऊंगा पर्सनल में, बताऊंगा कहाँ थे। डिफ्यूज़र रहता है भाई, डिफ्यूज़र स्पॉइलर अब सब फिटिंग होंगी, और फिर टाइम लगने पे हो सकता है कल इस पर सिरेमिक भी कराएं। सिरेमिक करनी है इस पर, तो अभी फिटिंग करा लेते हैं पहले गाड़ी की सारी, फिर दिखाते हैं बाकी। रोड एक्सपीरियंस तो आपने देख लिया होगा, हमने ट्राई करेंगे। हाँ सही लग रहा है बिल्कुल। आगे स्मार्ट बॉय हमारा, जय बाबा की भाई। भाई रोड पे कैसी लग रही थी आयुष? खतरनाक। वीडियो देखना, दिखना वीडियो दिखाएंगे। सब मुड़ मुड़ के देख रहे कि क्या आ गया जूबा। कुछ ऐसी ऐसी सार्थक की थी, लेकिन ये उससे बहुत अलग है, लेकिन उसकी भी ऐसी लुक देती थी, ऐसे पिंकिश शेड देती थी वो भी। वो थोड़ी डार्क में थी, हाँ। इसमें ग्रे का शेड था, लेकिन इसमें भाई रोड पे हमें लग रहा था कि पिंक ज्यादा देगी, लेकिन पिंक ज्यादा नहीं दे रही, ग्रे दे रही है। अच्छा तो मजा आ रहा है, रियल लाइफ में ही फर्क है। हाँ कैमरे में वो आप गेस्चर कर ही नहीं सकते जो आंखों से देख रहे हम। पेंट हो रखा है, वो सीधा लगाना है सर, फिट कर दो। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी हो गई है कंप्लीट। धूप में दे रही है ग्रे शेड, ग्रे ग्रे सी शेड दे रही है, और थोड़ी सी छाव में पिंक, ये देखो। तो फाइनली भाई गाड़ी ऑल ओवर कंप्लीट हो गई है, बस साइड मेरे रहते हैं, वो एक दो दिन में आएंगे। तब तक आप बताओ कमेंट करके कि आपको गाड़ी कैसी लगी, कैसा लगा आपको ये रैप। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें भाई, और कमेंट करके ज़रूर बताएं गाड़ी लगी कैसी आपको।